सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में उपचुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन नेताओं के एक दूसरे पर तीखे बाड़ों का प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश और सुब्रत पाठक एक दूसरे पर जुबानी जंग से हमले कर रहे हैं, तो वहीं अब मायावती ने उपचुनाव के नतीजों पर सपा भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन नेताओं की लंबी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां अखिलेश और सुब्रत पाठक में जुबानी जंग जारी है, अखिलेश ने जहां सुब्रत को खैनी मसाला खाने वाला बता दिया, तो वहीं सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश पर पर्सनली हमला बोला है। उपचुनाव की जंग के बाद नेताओं की जंग खत्म नहीं हुई है, लगातार वो एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में मायावती भी कूद गई है। उन्होंने कहा कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। बसपा प्रमुख मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। उनके इस बयान के आते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर मिली भगत होती तो मैनपुरी खतौली क्यों हारते। मालूम हो कि अभी हाल ही में उपचुनाव के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद से ही किसी न किसी मुद्दे पर कोई न कोई बयान जरूर आ रहा है। अब देखना होगा कि नेताओं के बयानबाजी का दौर कब खत्म होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।